हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचन। मैं यहाँ पर क्विनोवा को जो है वॉश करते हुए दिखा रही हूँ। इसे हमें इस तरह से उंगलियों से हिलाते हुए इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। क्विनोवा को इस तरह से क्लीन करने का रीज़न सिर्फ इतना है कि ये देखिए, बहुत ही इसके महीन दाने होते हैं, जो कि हम नॉर्मल अगर थाली या भगोने में धुलेंगे तो वो क्या है, सारा पानी के साथ ये भी गिरने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए ये छन्नी यूज़ की है। आप चाहें तो कोई भी फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा फिल्टर जिसमें कि वॉश करने पर सिर्फ पानी इसका नीचे जाए और ये आपका क्विनोवा जो है आपके इस बर्तन में ही पड़ा रहे। दूसरी चीज़, हमें इसे उंगलियों के पोरों से इसलिए वॉश कर रहे हैं क्योंकि क्विनोवा की जो आउटर लेयर यानी कि जो सरफेस होता है उस पर फाइटिक एसिड और सेफोनिन होता है। सेफोनिन से क्या है, थोड़ी सी इसके खाने में अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो थोड़ी कड़वाहट फील होती है, जो कि एक नेचुरल कोटिंग है। उसको अच्छे से क्लीन कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा क्विनोवा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर यूं ही छोड़ देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर डिस्पोज हो जाए। अब हम गैस पर एक पैन या भगोना चढ़ा देंगे और उसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। भगोना गर्म हो गया है तो अब हम इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर देंगे और धुला हुआ जो क्विनोवा हमने वन बोल ले रखा था उसे इसमें सारा पलट देंगे। यहाँ हमने फॉक लिया हुआ है, इससे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हमने थोड़ा मीडियम टू हाई कर रखा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्विनोवा का वाटर लेवल जो है वो उसके लेवल से लगभग 1 इंच तक ऊंचा है। ये थोड़ा गर्म हो गया है तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल सिम कर लेंगे और इसके ऊपर लिड लगा देंगे और इसे लगभग 15 मिनट तक सिमर होने देंगे, यानी कि पकने देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा करके छोड़ देंगे। इस बीच में अब हम पोहे की बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक तवा गरम कर लिया है, उस पर आधी कटोरी मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट में मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे हल्का सा नॉर्मल होने देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रोस्ट होने की वजह से इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये छिली हुई मूंगफली को हम दरदरा पीस लेंगे या क्रश कर लेंगे मॉर्टर पेस्टल में और बाकी की छिलके वाली मूंगफली को हम साबुत ही साइड में रख देंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। अब एक मीडियम साइज के आलू को हमने धोकर साफ कर लिया है, अब इसे पील ऑफ कर लेंगे। और फिर इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे। और अब इसे पानी में इस तरह से डिप करके वापस इस पानी को डिस्पोज कर देंगे। ऐसा करने से पोटैटो में
जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है। ये क्लीन पोटैटो हमें मिल गया। अब एक पैन में पानी गरम कर लेंगे और इसमें ये बारीक कटे हुए आलू को हम डालकर ढककर लगभग 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। अब हम क्विनोवा की ओर चलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, क्विनोवा जो है पक चुका होगा, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे ताकि क्विनोवा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। अब गैस पर एक पैन गरम करके उसमें एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया हुआ है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल गरम होने के बाद 1/4 टेबलस्पून राई या सरसों, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 8 से 10 करी पत्ते, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1/4 टेबलस्पून डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स तक चलाने के बाद हम इसमें 1/2 बोल हरी मटर ऐड करेंगे। और इसे भी इस तरह से मिक्स करते हुए ही पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 आलू उबलने को रखे थे वो उबल चुके हैं। अब हम आलू को अलग कर लेंगे और एक्स्ट्रा वाटर को डिस्पोज कर देंगे। अब इसमें ये उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे। और इन्हें भी लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/2 कप मूंगफली जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी उसे मिला लेंगे। और इसे भी थोड़ी देर तक इस तरह से चला लेंगे। अब क्विनोवा को खोलकर देख लेते हैं। और इसे हम इस तरह से फॉक से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लफी बना रहे, एक दूसरे में चिपके नहीं। ये बहुत ही परफेक्टली पक चुका है। अब इसमें ये पका हुआ हमारा जो क्विनोवा है उसको डालेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ में लाइक भी करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। इस रेसिपी को बनाने में या कुकिंग की कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं उनमें जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं हम, अगर आपको उनकी ख़रीदारी करनी है, आप वो लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दी हुई लिंक के थ्रू आप उनकी परचेजिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें क्रश की हुई अपनी मूंगफली भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हरे धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। तो ये क्विनोआ का पोहा बिल्कुल बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।